जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो रिसर्च सेंटर। तो आज हम कल की ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने कल डिस्कस किया था, जो टॉपिक का नाम था फ्लूइड डायनेमिक्स, तो उसमें हमने एक चीज कवर कर ली थी, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं जो ट्रांसपोर्ट को अपोज करते हैं, या कौन से फोर्स उसको सपोर्ट करते हैं फ्लो करने में। तो अभी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने चार चीजों की बात की थी जो हम फ्लूइड डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट थिंग इज फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, एंड सेकंड इज रेनॉल्ड्स नंबर, थर्ड फ्रॉड नंबर, एंड पार्टिकल इंटेनमेंट एंड पार्टिकल सेकंड लॉस। तो ये हमने कल कवर कर लिया था, राइट। अभी हम जो डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रॉड नंबर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक थिंग्स है हम लोग सेडिमेंट्री जियोलॉजी में, सेडिमेंटोलॉजी में यही दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, पार्टिकल डिपोजिट कैसे होते हैं, इन्हीं दो पे ज्यादा चलते हैं। उसके बाद ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन दो पे बात करेंगे, ओके। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें हम ये पता करते हैं कि वो लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो उससे हम ये पता कर लेते हैं कि वो लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो। तो ये एक नंबर है, उसके बेसिस पे भाई अगर इतनी नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो होता है 500 के नीचे है तो हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो है, 5 से 2000 तक है तो ट्रांजिशनल बोला जाता है, 2000 के बाद क्रिटिकल फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो उसको बोलते हैं, राइट। तो ये एक नंबर है, तो इसे क्या डिफाइन करती है उस चीज को देखिए। सपोज करिए कि कोई वाटर फ्लो हो रहा है, हम बेसिकली अपना रिवर के केस में, ओशियन, लेक, इन सबके, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप से, बट कंसेप्ट सेम है। तो हम तुमको एक बता रहे हैं, ये सपोज करिए कोई पाइप है, राइट, इससे कोई फ्लूइड, इसका डायमीटर सपोज करिए डी, इससे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अभी देखिए ये दो केसेस में फ्लो करेगा, एक तो देखो इसके अंदर से जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो ये ऐसे जाएगा लैमिनर फ्लो, राइट। तो ये जो कंडीशंस है फ्लूइड फ्लो होने की, जो लेयर्स में पैरेलल लेयर होंगी, इसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। तो हमने भी सीखा कि फ्लूइड टू टाइप्स पे मूव करता है, किसी भी सरफेस एरिया में, रिवर में, या दो टाइप्स, अगर टू टाइप्स से ये लेयर स्मूथ है तो उसके ऊपर जो लेयर से क्यों बनती है वो हमने कल समझाया था। आज अगर उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये लेयर में क्यों बनता है हमने कल बताया था, और ये लेयर अगर स्मूथ है तो ये पैरेलल इसमें बनेगा अगर वेलोसिटी ज्यादा तेज नहीं है, तो ये लैमिनर फ्लो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सपोज के लिए ऐसे दूसरी पाइप है, अब इससे इस तरह से नहीं फ्लो कर रहा है, ये सपोज के लिए ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, या इसको इंटरमिक्सिंग भी हो रही है, इडीज भी बन रही है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है फ्लो करने की। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें कोई रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कोई लेयर्स का जो फ्लो हो रहा है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, इसमें सब पैरेलल जाएंगे, राइट। और एक चीज होगी इसमें, सपोज करिए यहां पे कोई आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये लेयर ऐसे मूव करती जाएगी, क्यों देख रहे हो, ट्विन तो हुई, टेढ़ी हुई, लेकिन वो पैरेलल मतलब कॉन्सेंट्रिक टाइप से बनती गई, लेकिन एक दूसरे को मिक्स नहीं, कट नहीं कर पाई। बट इस केस में क्या होगा, कोई अब्स्ट्रैक्ट आएगा वो एक दूसरे को कट करेंगे, मिक्स कैसे, तो इसको टर्बुलेंट फ्लो करते बोलते हैं।
राइट। तो ये चीज समझ में आ गया। अब सपोज करिए जब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो इस पर कौन से फैक्टर काम कर रहे होंगे? देखिए दो चीजें हैं, एक तो इसको जो वेलोसिटी वी है सपोज करिए, तो कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो इसको वेलोसिटी वी दे रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आ रही होगी, राइट। तो उसको जो इसको मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा होगा एक फोर्स वो होगा। दूसरा जो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लग रहा होगा, कल हमने डिस्कस किया था विस्कस फोर्स के बारे में, वो क्या कर रहा होगा, वो मूवमेंट को अपोज करेगा, स्टॉप करेगा जिधर जा रहा होगा, राइट। सो देयर इज टू फोर्स, वन फोर्स इज विच द सपोर्ट द फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, एंड अनदर फोर्स दैट इज विस्कस फोर्स विच स्टॉप दिस मूवमेंट ड्यूरिंग विच डायरेक्शन दिस फ्लूइड मोशन टेक प्लेस, राइट। सपोज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसको ऐसे अपोज करेगा, राइट। तो दो फोर्स है, ये क्या है, इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। ये क्या होगा, विस्कस फोर्स, राइट। तो इन्हीं दोनों का रेशियो से हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उससे फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना बैलेंस है दोनों के बीच में, इनर्शियल फोर्स भाई एक इधर सपोर्ट कर रहा, फ्लो धक्का दे रहा है, एक अपोज कर रहा है, तो दोनों के बीच कितना बैलेंस है, तो उससे डिसाइड होता है कि मूवमेंट को कितना कंट्रोल कर रहा है पैरेलल स्पेस में, राइट। तो दैट इज द रेनॉल्ड नंबर। तो अब देखिए ये जो इनर्शियल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इसको हम अभी समझेंगे फॉर्मूले से, राइट। अब देखिए ये हमने अभी बताया कि जो रेनॉल्ड नंबर, इसको आर ही बोलते हैं, दैट इज इनर्शियल फोर्स एफ आई अपॉन विस्कस फोर्स मींस एफ वी, विस्कोसिटी, ऐसे हम रिप्रेजेंट किए। अब देखिए एफ आई को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, राइट। देखिए हमने बताया दो फोर्स, वन इज इनर्शियल फोर्स दैट इज और एक विस्कस फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है स्कूल लेवल में एम ए, राइट, इतना क्लियर। अब एफ इज इक्वल टू एम, हमें पता है कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन बी, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बी। तो यहां पे रो बी, ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी नहीं, तो रो बी हो जाएगा। अब ए क्या होता है, बी अपॉन टी, वेलोसिटी पर सेकंड, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, रो वी क्या, वैल्यूम क्या होता है, एल क्यूब इंटू वी अपॉन टी, तो एक इसमें का एल, या ऐसे करिए रो एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी इंटू वी, तो ये एल अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये भी वी है, तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इनर्शियल फोर्स की वैल्यू, राइट, ये इनर्शियल फोर्स है। दूसरा विस्कस फोर्स क्या होता है, इधर देखिए विस्कस फोर्स के बारे में, विस्कस फोर्स हमने कल बताया था, वो लेक्चर देख लेना, हमने बताया था कि एफ वी या, तो ये क्या होता है, देखिए माइनस इसको क्योंकि अपोजिट उसमें लगता है इसलिए लिखते हैं, या ना लिखो इसको, म्यू दूसरा होता है एरिया और वेलोसिटी अपॉन जो डेप्थ होती थी जेड, तो ये होता था फ्रिक्शन। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, म्यू ऐसे रखिए, एरिया को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, ये अपना वी है, और जेड डेप्थ क्या है, ये भी एल है, लंबाई नहीं होती है, तो ये भी एक एल है, तो ये एल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू एल वी, राइट, एफ वी इज इक्वल टू। अब ये दो एफ वी यानी विस्कस फोर्स ये भी निकाल लिए, और इनर्शियल फोर्स दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, अब यहां पुट कर दीजिए, राइट। दिस इज रेनॉल्ड नंबर आर ई इज इक्वल टू एफ आई, क्या है, रो एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन म्यू एल वी, म्यू एल वी।
अब देखिए ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू रो एल वी दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन न्यू। अब एक चीज समझिए कि हमने कल बताया था कि जो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो क्या थी, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे न्यू से, ऐसे यू ऐसे, तो न्यू से रिप्रेजेंट करते थे क्या था, वन अपान मतलब जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू अपान रो, ये होती थी न्यू काइनेटिक विस्कोसिटी। तो यहां पर रो अपान न्यू है, तो रो अपान न्यू क्या हो जाएगा, अगर हम रो अपान न्यू निकालें तो आ जाएगा वन अपान न्यू, राइट। तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रो अपान न्यू की जगह हमने क्या रखा है, ये हो जाएगा एल वी अपान ये न्यू, ये वी है इसको और ये न्यू है, इसमें कंफ्यूज मत होना, तो ये आ गई, राइट। तो रेनॉल्ड नंबर का हमने फार्मूला निकाला, अभी क्या आ गया है इसको हम लिखते हैं, रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू क्या था कि एल वी पी, इसको आप कैपिटल मान लीजिए और नीचे या तो इस्माल ही रहने दीजिए और ये न्यू, ठीक। तो ये रेनॉल्ड नंबर, अब देखिए किस किस पे डिपेंड, किस पे कर रहे, देखिए एल मतलब जो डेप्थ है, उस वाटर जब फ्लो कर रहा है उसका जितना डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और उसकी काइनेटिक विस्कोसिटी, राइट। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा रेनॉल्ड नंबर कैसे आया। अब देखिए कैसे हम पता करते हैं कि लैमिनर फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, राइट। लैमिनर फ्लो या ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये तीन टर्म होते हैं। तो देखिए ये इतना समझ में आ गया, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। अब देखिए हमने क्या बताया था कि आर इज इक्वल टू एफ आई एंड इनर्शियल फोर्स अपॉन एफ वी विस्कस फोर्स, ये फार्मूला। तो कहीं पे फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि सपोज करिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, अब एक फोर्स इसको इधर वेलोसिटी दे रहा होगा, पुश कर रहा होगा फ्लो करने के लिए, उसको सपोर्ट कर रहा होगा, राइट। एक क्या कर रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक तो भाई ये जैसे फोर्स कर रहा हो ये बोल रहा है हम उसको बांधे रखता है, मींस कि इसको अपनी मनमानी नहीं करने देता है इस फ्लूइड को कि हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये बोलता है कि भाई हम तुमको पकड़े रहेंगे अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। लेकिन एक टाइम आता है कि तब क्या होगा कि भाई जब तक ये पकड़े रहेगा तब तक ऐसे फ्लो जाएगा पैरेलल एकदम, तो इसको क्या बोला था हमने, लैमिनर फ्लो। एक टाइम आएगा कि थोड़ा सा ये इधर भागेगा फिर पकड़ लेगा इसको फिर उसे फिर ऐसे जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ना वो टर्बुलेंट में है ना लैमिनर में है। और तीसरा क्या होगा, जब कि भैया बोलते बहुत वेलोसिटी तेज हो जाएगी, ये इतना विस्कस फोर्स स्ट्रांग नहीं बचेगा, तब क्या होगा कि भैया जा भाई तेरे को जाना जा मुझको क्या, तो ये भैया अपनी मेहमानी करने लगेगा इधर इधर जाएगा, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। वो कैसे करेगा, ऐसे कोई इसमें मुंह रैंडमनेस को इधर भी बनेगी ऐसे ऐसे फ्लो करेगा वाटर कूद कूद के। तो इसको देखिए समझ गए क्या होता है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि शुरुआत में क्या होता है, जैसे दो फोर्स हैं इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, ठीक है, एक उसको सपोर्ट कर रहा है फ्लो करने के लिए, एक उसको अपोज कर रहा है, राइट। तो अब जब विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, इनर्शियल फोर्स कम हो गया, वेलोसिटी कम होगी, तो उसको कोशिश करेगा लैमिनर फ्लो में बनाने की, राइट। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, विस्कस फोर्स उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो क्या बोलेगा, जा मैं अब तेरे को नहीं देखूंगा, तो वो अपने मनमानी फ्लो कर। इसको ऐसे समझिए जैसे क्या होता है कि शुरुआत में जैसे कोई कपल्स हैं, जब शुरू में
अफेयर होता है, प्यार होता है, तो क्या बोलते कि अरे एक दूसरे के मतलब खूब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि मुझे जिंदगी भर का तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, जब तक तुम हो बस तब तक जिंदगी चाहिए। तो उसके बाद एक टाइम आएगा कि क्या खिटपिट होने लगता है, थोड़ा सा एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है। पहले क्या होगा कि वो इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, वो अपोज करेगा कि अरे तुम वहां क्यों गई थी, या वॉयस के केस में क्यों गए थे, उससे क्यों बात किए थे। तो अपने रेगुलेट करने की कोशिश करता, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता, लेकिन क्या होगा कुछ टाइम के बाद वो नहीं मानता है। तो जब तक शुरू में दोनों एक दूसरे की कहां मानते हैं कि जो ऐसा है उसको एक दूसरे तरह की बनने की कोशिश करते हैं, जो उसे पसंद है वो करते हैं, तो उस केस में दैट इज इनिशियल स्टेज, जब शुरुआत होता है, दैट इज लैमिनर फ्लो। उसको अगर हम कंट्रोल करें, दैट इज लैमिनर फ्लो, सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, राइट। एक टाइम आएगा कि लड़ाई होने लगेगी, खिटपिट होने लगेगी, तब क्या है 10 दिन बाद नहीं हुई, फिर 2 दिन हुई, फिर वो उनसे एक दूसरे से, तो दैट इज सिचुएशन हम कंपेयर कर सकते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। फिर एक आएगा कि भैया हद ही हो जाती, फिर ब्रेकअप हो जाता है, जा तेरे को जाना जा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, तेरा क्या। तो वही वाली कहानी है यहां पर भी। तो वो उसको फिर जो फिजिकल फोर्स है तो वो छोड़ देता है कि भैया हम तुमको कंट्रोल, उसके बस में ही नहीं रहता कंट्रोल करना, बेसिकली तो ये बात तो ये है। तो वो फिर वो अपने मनमानी करने लगता, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो 3 केसेस आए, एक लैमिनर, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट फ्लो। तो ये चीज डिसाइड कैसे हुई रेनॉल्ड नंबर से, तो क्या हुआ, देखिए जब फ्लो कर रहा था ऐसे ऐसे ये, तो क्या हुआ यहां की अलग अलग की वेलोसिटी मेजर की अलग अलग जगहों की, राइट, और अल्टरनेट डे पे। तो इसमें क्या हुआ कि ज्यादा वेलोसिटी में चेंज नहीं दिखा, तो लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी में चेंज ज्यादा नहीं होता है डे बाय डे पीरियड ऑफ टाइम। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि ये चेंज होता रहता है, कभी तेज है कभी स्लो है, तभी तो रैंडम मोशन आएगी। और इवन आप पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तब भी इसके एवरेज वैल्यू में भी चेंज होता रहेगा। जैसे एक दिन में निकाले तो अलग आया 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, फिर एवरेज निकाले 8 मीटर पर सेकेंड, अगले दिन आएंगे इसमें एवरेज में भी वैल्यू में चेंज होता रहेगा। तो दैट कंडीशन इज टर्बुलेंट फ्लो। तो इसी के बेसिस पे रेनॉल्ड नंबर की एक बाउंड्री फिक्स कर दी गई भैया कि अगर आरई इज इक्वल टू सॉरी लेस देन 500 है तो इसको बोलेंगे लैमिनर फ्लो, अगर आरई ग्रेटर देन 2000 है तो इसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो अब देखिए जो 20 की कहानी 500 से 2000, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिशनल फ्लो। अगर आरई बिटवीन है 500 टू 2000, तो इस फ्लो को क्या बोलेंगे ट्रांजिशनल फ्लो, ट्रांजिशनल, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। फिजिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर लेस देन 1000 है तब इसको बोलेंगे लैमिनर, और ग्रेटर देन ये उसे 2000 टर्बुलेंट फ्लो। बट फिजिक्स के केस में सेडिमेंट्री में मोस्टली यही रहता है 500। रीजन बिहाइंड इट कि ये कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए तो ये नहीं फिक्स कर पाए कि भाई बाउंड्री कितनी लंबी, 500 से 2000 के बीच बता ही नहीं पाए वो टर्बुलेंट है कि लैमिनर है। भाई इसको ऐसे भी सेट कर सकते थे कि भाई 1000 है इसके नीचे टर्बुलेंट, 1000 के ऊपर सॉरी लैमिनर, 1000 के ऊपर टर्बुलेंट, ऐसे तो नहीं बता पाए क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको डिसाइड ही नहीं कर पाए। तो इसलिए इतना ट्रांजिशन टाइम रख दिया कि 500 से 2000 के बीच पता ही नहीं कैसा टर्बुलेंट मिक्सअप है, राइट। उसके नीचे तो एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि इसके अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको टर्बुलेंट, 500 से नीचे दैट इज लैमिनर, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज बताइए कि किस कंडीशन में ये सब बन रहा होगा कि जैसे ये बेड है, तो अगर ये बेड रफ है बहुत तब इसमें अगर वेलोसिटी खूब हाई है फ्लूइड की, तो जो फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा दैट इज टर्बुलेंट इन नेचर। अगर कोई बेड है स्मूथ है तो लैमिनर, और वेलोसिटी स्लो वेलोसिटी है अगर, तो दो फैक्टर हमने देखा
कि वेलोसिटी मेजर, वेलोसिटी और बेड सरफेस की स्मूथनेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो में। इसीलिए सपोज आप क्या करिए, जैसे कोई पाइप वाइप है जब हम लगाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि लैमिनर फ्लो बनाए। रीजन क्योंकि अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो इसकी सरफेस पे बार बार टकराएगा, क्योंकि उसमें ऐसे मोशन तो हो नहीं रहा, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद ब्रेक होना, टूट जाए, कमजोर, बार बार इसको धक्का लगेगा, कुछ होगा। तो ये तो कोशिश करते हैं कि इसको हम लैमिनर फ्लो में ही ऐसे ऐसे रखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास विस्कोसिटी पे पानी की हम चेंज नहीं कर सकते, वेलोसिटी को ही कंट्रोल कर सकते। तो वेलोसिटी हम स्लो कर देंगे क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, एल वी अपॉन न्यू। तो अगर हम वेलोसिटी कंट्रोल कर देंगे, रेनॉल्ड्स नंबर कंट्रोल हो जाएगा तो लैमिनर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंग है समझने के लिए। अब हम आएंगे फ्राउड नंबर, हम डिस्कस करेंगे फ्राउड नंबर। हमने अभी रेनॉल्ड नंबर पढ़ लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, खासकर सेडिमेंट्री जियोलॉजी में, सेडिमेंटोलॉजी में, क्योंकि ये जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्स, ड्यून्स या पैरेलल बेड या एंटी ड्यून्स, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन गवर्न बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिज्म, अपर फ्लोरिज्म, लोअर फ्लोरिज्म। सो दिस फ्लोरिज्म इज कंट्रोल्ड बाय फ्राउड नंबर ऑफ द फ्लूइड। सो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है दिस फ्राउड नंबर। तो अब इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर भी फ्राउड नंबर एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनर्शियल फोर्स एंड एफ, यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे क्या था, हमने देखा था रेनॉल्ड नंबर के केस में आर ई इज इक्वल टू क्या था, इनर्शियल फोर्स वहां पर भी था एफ आई, वहां क्या था, विस्कस फोर्स एफ वी, राइट। तो ये वेलोसिटी दे प्रोवाइड कर रहा था फ्लूइड को, या फ्लूइड को पुश कर रहा था मोशन करने में या फ्लो करने में, ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, राइट। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, यहां क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है फ्लूइड को, पुश कर रहा है, सपोज कर रहा है मोशन में, सपोर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये विस्कस फोर्स उसकी लेयर के बीच में जो विस्कोसिटी थी, ऐसे ऐसे, क्योंकि डिफरेंट लेयर की जो स्पीड है डिफरेंट होती है, तो अगर डिफरेंट स्पीड की ये लेयर फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात फ्रिक्शन लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, तो वो उस फॉर्म में इसको अपोज, देखो अपोज करने का तरीका अलग अलग है दोनों में, लेकिन सेम चीज है, वहां विस्कस फोर्स उसको स्टॉप कर रहा है मूवमेंट को, अपोज कर रहा है उसको, फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स पर्टिकुलरली है जो अपोज कर रहा है, यहां क्या वर्क कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो किसी पार्टिकल, जो फ्लूइड में सेडिमेंट्स वगैरह होंगे उनका जो वेट होगा, वाटर का वेट होगा, उन सबकी वजह से जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स बनेंगी, तो वो उसको अपोज करेंगे। तो इसको हम अभी डिराइव करेंगे, देखिए सेम हमने रेनॉल्ड नंबर के केस में हमने बताया था क्या होता है, देखिए हमने बताया था कि एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट, एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो बी यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैपिटल बी, और ए को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, रो वी को हम क्या बोलेंगे, एल क्यूब बाय लेंथ हाइट एंड विड्थ, ये तो वॉल्यूम है, और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या हो जाता है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, वी अपॉन टी ऐसे लिखेंगे, ए इसका एल इसके साथ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर, तो एक इसके जो एल आया एल अपॉन टी वो हो जाएगा वी, और एक ये वी, तो क्या हो जाएगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। हमने पिछले रेनॉल्ड नंबर जब डिराइव कराए थे फार्मूला, वहां पर भी ये डेरिवेशन देखे थे। तो ये हम क्या निकल आया, हमारा क्या निकल आया, एफ यानी इनर्शियल फोर्स। तो ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। अब देखिए एफ जी कैसे निकालेंगे,
देखिए एफ जी निकालने के लिए क्या होगा, वेट, वेट ही तो है, तो वेट क्या होगा एम जी, राइट। और एम, एम का हम वही से वहां से उठा के रख देंगे रोगी, ओके। और ये जी, अब रो वी का क्या है एल क्यू इंटू जी, ये एफ जी आ गया। सिंपल, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आसान है, आप बिल्कुल परेशान ना हुए, एकदम बस पढ़िए देखिए, एकदम एक दूसरे को चेंज करिए, बस ट्रांसफॉर्मेशन है मास को डेंसिटी इंटू वैल्यूम, बस आराम से आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई की जगह रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन रो एल क्यूब जी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल क्यूब ये चला जाएगा। तो अब बचा है ऊपर वी स्क्वायर, नीचे एल इंटू जी। अब ये किसी किसी बुक में जो V है ये कैपिटल लिखा होता है, तो आप इसको कैपिटल V स्क्वायर से अपन एल जी कर सकते हो, या किसी किसी बुक में ये चीज क्या लिखी होती है, इसको देखिए अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हट जाएगा, ये अंडर रूट दिया जाएगा। तो किसी किसी बुक में ये दिया हुआ। अब ये डेरिवेशन में देख रहे हो या ये डेरिवेशन में कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ये क्या है डेप्थ वाटर की, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्राउड नंबर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट जो एल है डेप्थ ये अगर बढ़ रही है डिक्रीज करेगा, जी बढ़ रही है या ग्रेविटेशनल फोर्स तो फ्राउड नंबर डिक्रीज करेगा। तो इतना क्लियर हो गया, वेलोसिटी बढ़ने से इंक्रीज करेगा, एल बढ़ने से डिक्रीज करेगा एफआर, यानी फ्राउड नंबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स से डिक्रीज करेगा। अब हम इससे देखेंगे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, राइट। डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, एकदम हलवा, कुछ है ये नहीं डेरिवेशन में। अभी देखिए हम एक चीज देखेंगे, दिस फ्राउड नंबर कैसे सेडिमेंट्री बेड जो है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर देन वन है तो ये बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, राइट। अगर एफ इज इक्वल टू वन है इसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो, और अगर एफ लेस देन है वन इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक। और इसको जो ग्रेटर देन वन है इसी को बोलते हैं अपर फ्लो रीजन, और इस वाले को बोलते हैं लोअर फ्लो रीजन, सब क्रिटिकल फ्लो, लोअर फ्लो रीजन। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो अपर फ्लो रीजन और लोअर फ्लो रीजन में बेड कैसे बनते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं वो अभी देखें। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए हमने बताया था कि दो फोर्स लगते हैं एफ आर एफ आई अपान एफ जी। देखिए तो फर्स्ट हम बात करेंगे लोअर फ्लो रीजन, राइट। तो जो लोअर फ्लो रीजन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए लोअर फ्लो रीजन में क्या होगा कि एफ जी इज ग्रेटर देन, तो ये अब ज्यादा अपोजिशन लग रहा होगा, उसकी वेलोसिटी को स्लो कर रहा होगा, तो उसके मोशन में भी थोड़ा सा स्लो मोशन होगा, उसके फ्लो में थोड़ा सा स्टॉपेज आएगा। तो क्या होगा कि जो ऐसे सेडिमेंट जब डिपॉजिट हो रहे होंगे तो सबसे पहले बनेगी प्लेन बेड, फिर जब ये हाई है तो इसको थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट यहां पे आएंगे, तो ऐसे इस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ये क्या है रिपिल।
तो ये रिपिल बन रहे हैं, लेकिन इसका जो वेव्स हैं, देख रहे हो, ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये जो वेव और इसे रिपिल के ये जो बेड है रिपिल्स की, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं होते। लोअर फ्लोरिंग में जो रिपिल्स हैं इस केस में, थोड़ा सा फर्दर वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी क्या होगा, जब थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये क्या बन जाएंगे, ड्यून्स। तो ड्यून्स बन जाएंगे ये, थोड़ा सा जब इसकी जो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या बन जाएंगे, मेगा रिपल्स। ये ऐसे ये ड्यून्स हैं, मेगा रिपल्स, ये रिपल्स, ये प्लेनेट। तो देख रहे क्या लोअर फ्लोरेजिंग में कौन कौन सी चीजें बन रही, देखिए प्लेन वेड या पैरेलल वेड, तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, पैरेलल वेड, फिर रिपल्स, फिर लोअर फ्लोरेजिंग की बात करें फिर ड्यून्स, फिर मेगा रिपल्स। तो ये कहानी कब बन रही है, लोअर फ्लोरेजिंग, ये जब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या होगा अपर फ्लोरेजिंग में, क्या होगा जब यहां पे और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो फिर से ये अब क्या होगा, यहां क्या था कि जो एफ जी इज ग्रेटर देन एफ आर फ्रॉडम से एनर्जियल फोर्स से, तो अब देखिए जब ये ज्यादा होगा तो जैसे वेलोसिटी इधर को फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा है ना, तो अब ये वेव्स इधर को इसको लगाएंगी फोर्स, तो इनका मोशन वेव्स का किधर है, अप स्ट्रीम साइड। तो ये भी याद कर लीजिए कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा तो अप स्ट्रीम साइड वेव प्रोड्यूस करेगा, अगर और फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि ये फिर से पैरेलल वेव, अपर पैरेलल वेव बनेगी, फिर फर्दर इंक्रीज वेलोसिटी तब क्या होगा, एंटी ड्यून्स बनेंगे, ऐसे यू एंटी ड्यून्स केस में क्या होगा कि जो वेव्स हैं ऐसे ऐसे इनका क्रस्ट और ट्रफ मैच करेगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, देखो यहां 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 ऊपर, राइट। ये कंडीशन है अपर फ्लोरेजिंग की। अब देखिए ये इतना जो कहानी है ये अपर फ्लोरेजिंग, अपर फ्लोरेजिंग, अपर फ्लोरेजिंग क्या है, एफ इज ग्रेटर देन वन, फ्लोर नंबर इज ग्रेटर देन वन, इसमें क्या होगा वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि मींस कि जो एफ आई है इस ग्रेटर देन एफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनर्शियल फोर्स आई, तो वेलोसिटी हाई होगी, तो वेलोसिटी जब हाई होगी तो ये इधर जो मोशन होगा ये डाउन स्ट्रीम साइड होगा, ओके। ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, लोअर फ्लोर इज अपर अप स्ट्रीम और अपर फ्लोर इज लोअर, क्योंकि वेलोसिटी हाई तो उसको ऐसे लोअर साइड मूव तो डाउन स्ट्रीम, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर हाई होगा तो इसको अप स्ट्रीम साइड इसको मोशन होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि अगर लोअर फ्लोरेजिंग है एफ इज लेस देन वन है तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, पैरेलल बेड, फिर रिपल्स, फिर फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो ड्यून्स, फिर फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो मेगा रिपल्स। ये लोअर फ्लोरेजिंग, उस केस में क्या है एफ जी इज ग्रेटर देन एफ आई, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हाई है, जो स्टॉपेज है फोर्स को स्टॉप करता है अपोज करता है वो हाई है, इनर्शियल फोर्स से जो वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है वो लो है। फिर अपर फ्लोरेजिंग में क्या होता है, इनर्शियल फोर्स हाई हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लो हो जाता है, जो स्टॉप करता है अपोज करता है वो वीक है, वेलोसिटी हाई है, उस केस में अपर पैरेलल वेव और एंटी ड्यून्स बनते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने दो तीन चीजें कवर कर ली, फर्स्ट थिंग फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे चलता है, क्या विस्कोसिटी और इनर्शियल फोर्स और ये सब कैसे लगते हैं, उस पर काम करते हैं। दूसरी चीज हमने डिस्कस की फ्रॉड नंबर, रेनॉन नंबर, राइट, उससे कैसे बेड बनते हैं, क्या क्रस्टिस्टिक होती है, लैमिनर फ्लो की या टर्बुलेंट फ्लो की,
राइट। तो ये हमने इतना कवर कर लिया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम फर्दर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो जानकारी, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।